Good morning, dear students. I hope you all are fine. So today we will continue our chapter 6 of class 8 maths, squares and square roots. And our topic is square roots. Last video mein maine aapko squares bataya tha. Square means 4 square equals to 4 multiply 4 equals to 16. It means स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का डबल करना. अगर आपने यहाँ पे 4 का डबल किया तो आपको क्या मिला, 16. पर आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की. तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे 4. ओके, एंड इसका स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो होता है ये. इट मीन्स आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. सो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4. सिमिलरली अगर आपको बोल दिया जाए कि 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. तो इट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5. ये तो थी आपकी स्क्वायर रूट की बात कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं. अब हम आते हैं कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो यहाँ पर आपके 3 मेथड्स में आपको बताऊंगी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के. फर्स्ट मेथड है आपका फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इट मीन्स जो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो कैसे करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू. अब देखते हैं आपको इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर ले रही हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे 81. आपको 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपका जो तरीका रहेगा उसको आपको कैसे फॉलो करना है, इसमें आपको ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस करना है. अब ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स इट मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, एंड नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5. ओके, बट यहाँ पे क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर्स. तो ऑड नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है आपके ऑड नेचुरल नंबर्स. अब देखिए 81 का हम स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 81 में से 1 माइनस करेंगे, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 80. नेक्स्ट अब आपका क्या आ गया यहाँ पर 80. अब हम 80 में से माइनस करेंगे तो 1 हमने माइनस कर दिया, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट नंबर 3 को माइनस करेंगे. तो 80 माइनस 3 77. इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे माइनस यहाँ पर 77 में से हम किसको माइनस करेंगे, 5. राइट, सो यू विल गेट 72. नाउ 72 माइनस 7 यू विल गेट 65. नाउ 65 माइनस 9 यू विल गेट 56. 56 माइनस 11 यू विल गेट 45. 45 माइनस 13 यू विल गेट 32. 32 माइनस 15 यू विल गेट 17. नाउ 17 माइनस 17 यू विल गेट 0. इस प्रोसेस को आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता. अब बात कर रहे थे हम स्क्वायर रूट की कि हम इस मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जितने भी स्टेप्स आपने माइनस करे हैं उसके बाद जहां तक आपको 0 मिला है वो स्टेप्स आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं. तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो इट मीन्स आपका 81 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 9. और आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81. इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट. ये था आपका फर्स्ट मेथड. अब हमारा सेकंड मेथड है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे. ओके, मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूं, इफ आई राइट 64, आपको 64 का क्या निकालना है यहाँ पर, स्क्वायर रूट निकालना है. और कौन से मेथड के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. तो हम इसको करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है, ये 2 से डिविजिबल है, 32,
16, 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. आपको सबको पता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं जब तक एंड में हमें क्या नहीं मिल जाता, 1. अब आपको क्या करना है, इन सबको साइड में लिख लेना है. तो क्या क्या आया हमारा, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स हम इसको लिख लेंगे. ओके नाउ अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट में जो इस वाले मेथड में आपका वे रहेगा उसमें आपको जितनी टाइम्स भी ये 2 मिला है इसमें आपको क्या करना है, इनकी पेयरिंग करनी है. ओके अब पेयरिंग हमने कर लिया और पेयर में से एक एक हमें नंबर को लिखना है. तो इस पेयर में 2 बार आपका 2 दिख रहा है आपको, तो हम एक ही बार उसको लिखेंगे. सिमिलरली यहां पर एंड देन यहां पर भी, तो 2 2 4 2 8, सो योर आंसर इज 8. इट मीन्स जो 64 का स्क्वायर रूट है वो क्या मिला आपको, 8. और आप सब जानते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का. ओके एक और एग्जांपल देखते हैं. मैं यहां पर ले रही हूं 144. अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं. यहां पर 2 से विजिबल है, 2 7s are, 2 2s are. ये भी 2 से विजिबल है, 2 3s are एंड 2 6s are. अगेन 2 से 18, अगेन 2 2 9s are. अब 9 2 के टेबल में तो नहीं आता है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से डिविजिबल है क्योंकि 9, सो यू विल गेट 3. अगेन 3 1s are 3. मैंने आपको अभी भी बताया था कि कब तक करते हैं इसको, जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता. अब इनको क्या करेंगे, हम साइड में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब क्या करना है हमें, इनको पेयरिंग करनी है इनकी. सो पेयरिंग हमेशा सेम नंबर की होगी. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12. इट मीन्स आपका 144 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है आपका, 12. राइट और आप सब जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का. नाउ नेक्स्ट मेथड इज लॉन्ग डिविजन मेथड. लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू आप स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे. इफ आई राइट 2304, आपको इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. कौन से मेथड के थ्रू, स्क्वायर रूट के थ्रू. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे और अपने एक्सट्रीम राइट से आप इसके ऊपर बार प्लेस करना स्टार्ट करेंगे. बार प्लेस जो करेंगे वो 2 2 नंबर्स के ऊपर करेंगे. सो सबसे पहले हमने ये 2 नंबर्स लिए एंड देन ये. अब हमें क्या करना है, अब हम यहां पर देखेंगे. देखिए नॉर्मल डिवाइड में आप क्या करते हैं, जैसे आप सपोज आपके पास 23 है तो आप 23 से छोटा नंबर चलाएंगे ना, लाइक 5 4s are 20, 5 5s are 25 हो जाएगा और वो 23 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. इसी तरह हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 23 जो है वो किसके स्क्वायर से बड़ा है, इट मीन्स छोटा नंबर हमें चलाना है. सो अगर हम देखें, सो 2 2s are 4 3 3s are 9 4 4s are 16 एंड 5 5s are 25. अगर हम 5 5s are चलाएंगे तो यहाँ पर 25 आएगा जो कि 23 से क्या है, ज्यादा हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पर क्या चलाएंगे, 4 4s are 16. ओके हमने यहाँ पर बार लगाए हैं और वो 2 नंबर्स के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे हम डबल नंबर वाला ही देखेंगे. हम 2 2s are 4 यहाँ पर नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर 4 4s are 16 चलाएंगे. सो सिंपली जैसे कि आप डिविजन में माइनस करते हैं यहां पर भी हम माइनस ही करेंगे, 13 माइनस 6 7. अब जो नॉर्मल डिविजन होता है उसमें क्या करते हैं, 1 by 1 एक एक वैल्यू नीचे लेकर आते हैं. पर इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें जैसे कि आपने 2 नंबर्स पे बार लगाया तो वो दोनों नंबर एक साथ पेयर में नीचे आएंगे. इट मीन्स यहां पर 0 नहीं आएगा, यहां पर 0 4 एक साथ आएगा. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 और 4 जो भी 2 नंबर आपको यहां पे मिलेंगे उनको क्या करना है, अब आपको प्लस करना है. सो 4 एंड 4 क्या हो जाएगा यहां पर, 8. अब हम क्या करें, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हमारा यहां पर काम आएगा आपका स्क्वायर्स. स्क्वायर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, 1 square 1 2 square 4 3 square 9 4 square 16 5 square 25 6 square
36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 square 100. अब आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन सी है, 4. अब आप देखिए कि 4 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है एंड एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है. इट मीन्स अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपको यूनिट डिजिट वहां पर 4 मिले. अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर मैंने 8 इसको लिख लिया. अब यहाँ पर आप जो भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर 2 से, बिकॉज 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है. सो सबसे पहले हम 2 से जो यहाँ पर लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ पर लिखेंगे. सो 2 2 4 एंड 2 8 16, ये नंबर हमें नहीं मिला. अब हम ट्राई करेंगे यहाँ पर 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 8 के. सो अब हम 8 से करके देखते हैं. 8 8 64 कैरी 6, 8 8 64 एंड 64 प्लस 6 70. सो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 704. कब मिला आपको, जब आपने 8 अप्लाई किया यहाँ पे, 8 की मल्टीप्लाई की. सो अब इसके आगे तो कुछ नहीं चलेगा. इट मींस आपका जो 2304 का स्क्वायर रूट हुआ वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 48. आपको अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. उसका मेथड क्या रहेगा कि आप 48 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. अगर आपको 48 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे, मींस डबल करने पर, अगर आपको 2304 मिल रहा है, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये तो थे आपके सिंपल नंबर्स. अब हो सकता है आपको कुछ डेसिमल नंबर्स भी मिले. सो सपोज आपको यहां पर 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. किसके थ्रू, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू. तो हम कैसे करेंगे, सेम मेथड अप्लाई होगा, बिल्कुल नो चेंज. आपको बार्स प्लेस करने हैं, तो बार्स कैसे प्लेस होंगे, एक्सट्रीम राइट से चलेंगे दिस. अब यहां पर तो डबल नंबर नहीं है तो इसलिए 7 को हम सिंगल बार पे ही रखेंगे. नाउ आप देखेंगे सेम वे कि 7 जो है वो किसके स्क्वायर से बड़ा है. सो सबसे पहले 2 आता है, 2 2 4 एंड 3 3 9. 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे हम क्या चलाएंगे, 2 2 4. 7 माइनस 4 3. बार दोनों नंबर्स के ऊपर है इसलिए यहां पर 29 एक साथ आएगा. 7 के बाद यहां पर पॉइंट है तो ऊपर भी हम यहां पर पॉइंट प्लेस कर देंगे. लास्ट नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका यहां पर, 4. अब आपको देखना है कि हमें क्या नंबर चाहिए, 329. यूनिट डिजिट क्या है, 9. तो हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट 9 जो है वो किस किस के स्क्वायर्स में आती है. तो एक तो 3 के स्क्वायर में मिलती है और एक 7 के स्क्वायर में मिलती है. तो हम दोनों से ट्राई करेंगे. सबसे पहले हम 4 के साथ 3 को करके देखते हैं. 3 3 9 एंड 3 4 12. अभी आपको नहीं मिल रहा. अब एक ये 7 से करके देखते हैं, बिकॉज 7 का स्क्वायर करने पे भी हमें 49 मिलता है जिसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 9 होती है. तो 7 7 49 एंड कैरी 4. 7 4 28, 28 प्लस 4 32. सो यू विल गेट 329. सो 7 जा करने पर हमें 329 मिल गया. सो ये आंसर इज 2.7. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7. अगेन अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं है अपने आंसर को लेके, तो आप इसको 2.7 की को डबल करके भी आप देख सकते. सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ नॉट देन गो थ्रू ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन. थैंक यू.